दशहरे के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। अम्बेडकर नगर जिले के मालेपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव में रात्रि में एक नाबालिग छात्रा ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय उसके पिता घर से बाहर गए थे। सुबह इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो जानकारी पुलिस को दी गई। गैंगरेप पीड़िता के पिता ने बताया कि 16 सितंबर को जब उसकी बेटी स्कूल से निकली तो कार सवार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसको लखनऊ लेकर चले गए, जहां दो लोगों ने उसके साथ रेप किया। 18 सितंबर को पीड़िता किसी तरह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। पिता ने बताया कि उसकी बेटी ने एक आरोपी को पहचान भी लिया है, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दे दी है। पुलिस ने पीड़िता का बयान कराया और मेडिकल भी करा लिया, लेकिन आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पिता पुलिस अधीक्षक से मिला, लेकिन उसके बावजूद आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवेचक कल शाम को पीड़िता के घर गए थे, जहां पीड़िता ने विवेचक से कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी, और रात में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित की आत्महत्या की सूचना पर कई नेता गांव में भी पहुंचे। अपर पुलिस अधीक्षक और अपर जिला अधिकारी गांव पहुंचे और परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर परिजनों ने सवाल उठाया है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़ित के पिता की तहरीर पर 16 सितंबर को ही अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। छात्रा की बरामदगी के बाद उसका बयान कराया गया और मेडिकल भी कराया गया। बयान के आधार पर गैंग रेप की पुष्टि हुई और इसी के तहत गैंग रेप की धारा बढ़ाई गई और आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इस मामले में क्या कुछ कहा अजीत कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर, व पीड़िता के पिता ने सुने। दिनांक 16/9 को क्राइम नंबर 212/22 अंडर सेक्शन 363/366 कायम किया गया था। ये एक तहरीर प्राप्त हुई थी पीड़िता के पिता के द्वारा, जिस पर ये मुकदमा कायम किया गया था। दो दिन बाद स्वयं पीड़िता के आ जाने पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया तथा 164 का बयान कराया गया, जिसके अंतर्गत दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि बयानों के आधार पर हुई, जिसमें कि संगत धाराओं में 376D और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया गया। अज्ञात का क्या अनावरण करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके अंदर में टीम भी गठित कर दी गई थी और इसकी वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 5 अक्टूबर को उस लड़की द्वारा आत्महत्या करने की तथ्य प्रकाश में आया। पर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर आजमगढ़ SP अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना जहानागंज पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें, वसंत राम पुत्र स्वर्गीय विसर्जन राम ग्राम धनार बांध पोस्ट बड़ौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत की कि वादी की लड़की कविता की शादी 4 वर्ष पूर्व रतन उर्फ रजनीश पुत्र रमेश राम के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ ग्राम बड़हलगंज में हुई थी। आए दिन ससुर रमेश पुत्र स्वर्गीय बालकृष्ण राम, पति सास ज्ञानती देवी, पत्नी रमेश देवर, मनीष पुत्र रमेश व ननद पल्लवी प्रियंका, पुत्री गढ़ रमेश, ये लोग दहेज एवं बच्चा पैदा न होने को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे, जिसके तहत 3 तारीख को मेरी लड़की कविता की उपरोक्त लोगों द्वारा ही फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी। के संबंध में मुकदमा संख्या 398/22 धारा 498A, 304B, बादवी 3/4 DP एक्ट पंजीकृत विवेचना प्रारंभ की गई थी। आपको बता दें कि अशोक सोनकर मय हमरायन द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त रतन उर्फ रजनीश पुत्र रमेश निवासी बड़हलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, रमेश पुत्र बालकिशन निवासी बड़हलगंज थाना जनपद आजमगढ़, ज्ञानती प्रवेश रमेश निवासी बड़हलगंज थाना जनपद आजमगढ़, मनीष पुत्र रमेश निवासी बड़हलगंज थाना जनपद आजमगढ़ को बड़हलगंज के बाजार के पास से समय करीब 3 बजे बड़हलगंज बाजार से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान कर माननीय न्यायालय भेज भी दिया है। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे, जहां पर SP अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना बिलरियागंज ने अनैतिक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आवेदक के पुत्र के कॉलेज आते जाते समय विपक्षी नीरज वर्मा पुत्र विजपाल वर्मा निवासी पुरानी कोतवाली आसिफगंज वार्ड नंबर 21 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दोस्ती कर अनैतिक संबंध बनाया गया था, जिसके संबंध में पुलिस ने मुकदमा संख्या 219/2022 धारा 377, 506, 324
बनाम नीरज वर्मा उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की थी। आपको बता दें, थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमरायान द्वारा मुकदमा उपरोक्त में संबंधित वांछित अभियुक्त नीरज वर्मा पुत्र ब्रिजलाल वर्मा निवासी पुरानी कोतवाली आसिफगंज वार्ड नंबर 21 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को जयगाम बाजार से करीब 1:30 बजे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर बुढ़नपुर नगर पंचायत क्षेत्र के सेरवा गांव में छोटी सरयू पुल के किनारे मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए क्षेत्र के सभी भक्तों को SDM बुढ़नपुर नवीन प्रसाद, क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ सिंह तोमर व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गुंजन कुमार व वरिष्ठ लिपिक मनोज कुमार सिंह के द्वारा मूर्ति विसर्जन करने के लिए पूर्ण रूप से साफ सफाई करवा दी गई है। वहीं मूर्ति विसर्जित करने आए हुए लोगों को सुरक्षा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। वहीं मूर्ति विसर्जित करने वालों से यह भी अपील की गई है कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से मूर्ति का विसर्जन करें व अपने घरों को सकुशल चले जाएं, अपनी सुरक्षा करें व प्रशासन की भी मदद करें। प्रशासन हमेशा लोगों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। खबर आजमगढ़ से है, जहां जनपद आजमगढ़ के जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश के क्रम में विजयादशमी के पावन अवसर पर जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में जहां जहां दुर्गे का पंडाल स्थापित किया गया है, वहीं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मंदिर के आसपास रोड दोनों पटरियों पर पॉलीथीन को उठाते हुए इसको बोरों में भरते हुए, बोरे में भर कर उचित स्थान पर रखते हुए, झाड़ू लगाते हुए, चूना का छिड़काव करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, जिससे कि संचारी रोगों को बढ़ावा न हो सके। CP यादव जिलाध्यक्ष ने बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में ग्राम सफाई कर्मचारी अपने अपने ग्राम पंचायतों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, गुलाब चौरसिया ने बताया कि जनपद के सम्मानित सफाई कर्मचारी भाइयों, माताओं और बहनों, आप लोग जहां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है, वहां वहां सफाई करके सुनिश्चित करें। ये बताइए कि आप कौन है? मैं सफाई कर्मचारी गुलाब चौरसिया, मीडिया प्रभारी। विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां जहां माँ दुर्गे की मूर्ति लगी है, वहाँ वहाँ जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेशानुसार जनपद के सभी विकास खंडों में साफ सफाई किया जा रहा है। आज बलरामपुर चौराहे से हाफिजपुर चौराहे तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष CP यादव द्वारा गुलाब चौरसिया रामाश्रय कुमार अपने साथियों के साथ बलरामपुर चौराहे से लेकर हाफिजपुर चौराहे तक साफ सफाई करके सुनिश्चित किया गया। अपना परिचय बताइए। CP यादव जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़। दशहरा के शुभ अवसर पर जनपद के समस्त सम्मानित अधिकारीगण, समस्त सम्मानित कर्मचारीगण, समस्त सम्मानित क्षेत्रवासियों सभी को दशहरा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जीयनपुर नगर पंचायत विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं यहाँ राजनीति नहीं बल्कि जीयनपुर का विकास चाहता हूँ और नगरवासियों से यह मेरी अपेक्षा है कि हमें एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। उक्त बातें नगर पंचायत जीयनपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी व तैयारी कर रहे भाजपा नेता अभिषेक राय ने रामलीला मंचन के दौरान कही। उन्होंने रामलीला को सकुशल संपन्न कराए जाने पर सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया, साथ ही रामलीला समिति में भी सहयोग किया। वहीं आदर्श रामलीला समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा अभिषेक राय को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान आदर्श रामलीला समिति के अध्यक्ष संतोष चौरसिया ने कहा कि आज जीयनपुर में रामलीला का सफल मंचन नगरवासियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। उन्होंने आगे भी लोगों के सहयोग की अपील की। इस दौरान मौके पर संदीप सिंह, सत्यम चौबे, रितेश, विकास राय, भोलू आदि लोग मौजूद रहे।